कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर। इसलिए उन्होंने अपने शिष्य को कुछ नहीं कहा, उसकी बात सुनी और शायद गुरुदेव को लगा होगा कि अपनी बात पूरी हो गई। कुछ समय के बाद सुश्रावक श्री नानचंद साहब दुग्गड़ आए, घोर नदी की बात है ये, जिनके उदारता के कारण, गुरु भक्ति के कारण ऋषि आनंद की शिक्षण की व्यवस्था हो रही थी। पंडित जी की सारा भार व्यवस्था उनकी ओर से थी और वो जब दर्शन के लिए आए हैं तो रतन ऋषि जी महाराज साहब ने सुश्रावक जी को कहा कि पंडित जी को सिख दे दो। अब सिख शब्द आपके समझ में नहीं आएगा तो पंडित जी को विदा कर दो, कि आज के इंग्लिश की भाषा ने आपको बहुत सारे कल्चर की मंगल शब्दों से वंचित कर दिया है। अब आपको सेंड ऑफ करते हैं, आप लोग बाय बाय करते हैं, पहले सिख देते थे। श्रावक जी ने पूछा कि क्या अध्ययन पूरा हो गया जो पंडित जी को सिख देनी है। गुरु को कितना सजग होना पड़ता है, अध्ययन पूरा नहीं हुआ था, पंडित जी को विदा देने की बात करी। अब शिष्य की कमजोरी बाहर कैसे बताएं, समझ सके इस प्रसंग को तो समझना कि बड़ों को कैसे रहना चाहिए, सास को, मां को, बाप को, गुरु को, बड़े भाई को कैसे जीना चाहिए, अपने छोटों की कमी का ढिंढोरा पिटना चाहिए कि अपने छोटों की कमी दूर हो जाए, इसका प्रयास करना चाहिए। इसलिए रतन ऋषि जी महाराज साहब जैसे गुरु मिलना मुश्किल है। उन्होंने शिष्य की मानसिकता की बात नहीं करी, केवल संकेत किया कि तुम ही छोटे महाराज साहब से, छोटे संत से बात करो। वो श्रावक भी सुज्ञ थे, विज्ञ थे, गंभीर थे, वो समझ गए कि ऐसी कोई बात है कि जो गुरु अपने जुबान से बोलना नहीं चाहता है। और श्रावक वही सुश्रावक होता है कि नहीं बोलने जैसी बात बिन बोले जो समझ जाता है। और दुग्गड़ जी गुरुदेव के पास पहुंचे, वंदना करी भावपूर्वक और बात कर करके पूछा, क्या बात है महाराज साहब, आपका अध्ययन जिसके लिए पंडित जी को बुलाया था वो पूरा हो गया इतनी जल्दी? गुरुदेव ने कहा नहीं। फिर बोले, गुरुदेव ने पंडित जी को सिख देने के लिए क्यों कहा? किसना? चलो,
पंडित जी को सीख देने के लिए क्यों कहा, पंडित जी को विदा करने के लिए क्यों कहा। बड़ी उलझन हो गई। गुरु के पास बात करना है, एक श्रावक के पास बात करना है, कैसे प्रस्तुत करें अपनी बात को। गुरुदेव प्रसंग सुनाते समय बहुत गहराई से सुनाते थे। उस गहराई में गुरु के साथ कृतज्ञता का भाव भी था और श्रावक के प्रति भी अहोभाव था कि किस तरह से उस श्रावक ने मुझे मेरे प्रमाद से, मेरी खिन्नता से बाहर निकाला है। कैसे जवाब दे, श्रावक ने पूछा है। अब जो बात गुरु के पास करी वो बात तो श्रावक के पास कर ना पाए। श्रावक जी से कहा कि हम साधु हैं और साधु के लिए आगम का ज्ञान जरूरी है। गुरुदेव आगम का ज्ञान मुझे देने में समर्थ है। पंडित जी का पगार आपको देना पड़ता है, आपका धन व्यय होता है और मैं जितना सीखना चाहिए उतना सीख नहीं पा रहा। जितना ग्रहण करना चाहिए उतना ग्रहण कर नहीं पा रहा। श्रावक जी ने सहज पूछा कि कितने सूत्र रोज याद करते हो, और गुरुदेव ने फरमाया कि रोज के 10 सूत्र की फक्की का हो जाती है। और उसके बाद श्रावक ने बड़े प्रेम के साथ, बहुत आदर के साथ एक बात कही, कि मेरे धन की आपको चिंता है, यदि मेरे व्यवसाय में नुकसान हो जाए तो आप क्या करोगे। और छोटे महाराज, आप 10 सूत्र याद करते हो, एक सूत्र भी रोज याद करोगे मेरा धन सार्थक हो जाएगा। ये शब्द गुरुदेव फरमाते थे और गुरुदेव उसके साथ कहते थे कि बस वो एक पल था मेरे जीवन का, और उस पल उस श्रावक ने, दुग्गड़ जी ने जो भावात्मक संबल दिया। आर्थिक संबल तो कोई भी दे देता है, लेकिन जिस तरीके से मेरे मन को संभाला है उसी के कारण से मैं अध्ययन में आगे बढ़ सका। भव्यात्मंच, अपने जीवन के निर्माण में जिनका योगदान रहा है उनके प्रति एहसास, ये समकीति का लक्षण है, ये आध्यात्म का लक्षण, एक धार्मिकता का लक्षण है, ये सज्जनता की कसौटी है, ये इंसानियत की कसौटी है कि हम उपकारी के उपकारों को महसूस करते या नहीं करते। और वो तो अपने उपकारियों को उतनी ही गहराई से याद करते थे, चाहे संघ निर्माण में जिनका योगदान रहा हो, चाहे संस्था के निर्माण में जिनका योगदान रहा हो,
छोटे से छोटे बंदे को जिन्होंने 2 रुपए भी दिए उसको उन्होंने याद रखा है। जिन्होंने छोटा सा भी सहयोग दिया उसको कभी वो भूले नहीं। मुझे कहने दे कि वे कृपा के सागर थे, उसके पहले वो कृतज्ञता के सागर थे। वे कृपा के सूर्य बनने के पहले कृतज्ञता के सूर्य थे, और इतनी गहराई से कृतज्ञता थी कि उसमें कोई दिखावा नहीं था, औपचारिकता नहीं थी, कि सामने वाले को खुश करने के लिए वो कृतज्ञता नहीं थी। सामने वाले के अहंकार को पुष्ट करने के लिए कृतज्ञता नहीं थी। उस कृतज्ञता में भाव थे तो केवल एक एहसास के की हर साल उस प्रसंग को दोहराता हूं, और दोहरा करके अपने अंदर में एक आनंद की अनुभूति करता हूं, जीने का संबल पाता हूं। अगले प्रसंग है, कृतज्ञता के इतने पल है उनके जीवन के, चाहे उनके विद्या गुरु पंडित राजधारी त्रिपाठी हो, उनके विषय में भी वो इतने अभव भाव से बोलते थे कि कैसे पंडित जी अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए अध्यापन के लिए निरंतर तत्पर रहते थे। आराध्य गुरुदेव के प्रति तो उनकी अवभाव की भावना की कोई सीमा ही नहीं थी। लेकिन जिन सामान्य व्यक्तियों को भी उन्होंने अपने दिल में उपकार के रूप में रखा है, उनका एक प्रसंग आपसे शेयर करूं, जो हर साल सुनते उनके लिए प्रसंग सुना हुआ है, जो पहली बार सुन रहे उनके लिए शायद नया होगा। लेकिन मुझे ये भी पता है कि जो हर साल सुनते हैं वो स्टूडेंट बनकर के नहीं सुनते हैं, वो भक्त बनकर के सुनते हैं। उस भक्ति के कारण से ही उनको रिपीटेशन में भी आनंद की अनुभूति होती है। प्रसंग है 1977 जनवरी का, 1977 का, 76 का चतुर्मास पुनः संपन्न कर करके गुरुदेव विहार करते हुए बारामती पधारे महाराष्ट्र की, शरद पवार की जन्मभूमि कर्म भूमि। लंबे समय के बाद गुरुदेव का महाराष्ट्र में विचरण चलने के कारण से जहां गुरुदेव पधारते वहां फेस्टिवल होता था, उत्सव होता था लोगों के लिए, वही त्योहार, वही दशहरा, वही दिवाली। ये केवल पंक्ति नहीं रहती थी, हर घर में जब तक गुरुदेव गांव में रहते उत्सव का माहौल, भीड़, मेला लगता था। 365 दिन मेले चलते थे, और उसी मेले के बीच बारामती, जिस समय गुरुदेव की 77 की डोली का विहार चल रहा था, विहार कर करके बारामती पहुंचे, दूसरा या तीसरा दिन होगा। हम संत आहार कर चुके थे, गोत्री हमारी हो गई थी, हम बाहर आकर के बैठे हुए थे बरामदे में, गुरुदेव अंदर आहार कर रहे थे। दोपहर के 12:30-1 बजे का समय होगा, अंदर आहार गुरुदेव कर रहे हैं, और एक नियमित था कि 12 से 4 गुरुदेव के दर्शन का अवसर कम रहता था, कि आहार, विश्राम, स्वाध्याय आदि सारे कार्यक्रम के लिए
और हम संत बाहर कार्यकर्ताओं के साथ बात करते हुए बैठे हुए थे। उतने में एक मैले कुचले कपड़े अंधा सा आदमी आंधी की लाठी टेकते टेकते ठोकते ठोकते वहां पर आया और पूछा, आनंद ऋषि यहां है क्या है? और पहले तो उसके कपड़े और वो अवतार और उसका बोलना कि आनंद ऋषि जी यहां है क्या है, बड़ा अटपटा सा लगा। हमने जवाब दिया कि आचार्य भगवंत यहीं पर है, बोले मुझे दर्शन करने, मैं उनके दर्शन के लिए आया हूं। अब इसको छिपाने की कोई आपको जरूरत नहीं है कि उस समय कोई सेठ आता तो हम लोग कहते बैठो आराम से, अभी गुरुदेव आराम कर रहे हैं, बाद में दर्शन होंगे। लेकिन उस व्यक्ति को देख करके हमारा जवाब गया कि अभी दर्शन नहीं हो सकते हैं, आपको दर्शन करने तो 4 बजे के बाद आना है, अभी गुरुदेव के आराम का विश्राम का और समय। इतना सुनना था कि उस आदमी के अंदर का तेज जागृत हो गया। हमें लगा कि शायद ये दीन होगा हीन होगा, लेकिन जब वो बुलंद स्वरों में बोलने लगा इतने तेज स्वरों में कि सारे श्रीमंतों के हो गए, सारे धनवानों के हो गए, गरीब का कोई नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।